काठगोदाम हाईवे चौड़ीकरण के जद में आ रहे किसानों के मकानों और दुकानों को बचाने के लिए भोट के लोगों ने धरना दिया। भाकायू भानु गुट के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरने पर बैठे उनकी मांगे थी कि 2012 के सर्किल रेट से हम मुआवजा नहीं लेंगे, हमें आज के सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। लैन मतलब 4 लैन अलग हटा के आबादी से निकाली, लेकिन वोट में बीज वोट आबादी में बीज वोट के अंदर से निकाली जा रही है। 300 ग्रामीणों के घर और दुकान उसके जद में आ रहे हैं और टूट रहे हैं, और बहुत मैं समझता हूँ 250 गरीब ऐसे हैं जिनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं है, एक बिस्सा ज़मीन नहीं है। अब ऐसे हालातों में वो कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। क्वेश्चन पे यह है कि जो रामपुर से और काठगोदाम 4 लेन होने जा रही है, इसका जो नक्शा पारित किया है वो वोट दो मोड़ होने के कारण वोट आबादी में को उन्होंने बाईपास निकाल दिया जी। अब हम आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इसमें 80% लोगों के ऐसे मकान जा रहे हैं जिनके पास पहले 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है या नचाय वाले ये कहते हैं कि ये मुआवजा उसी को दिया जाएगा जो जिसका नाम रजिस्ट्री है। रामपुर से जाट टीवी न्यूज के लिए अफान अहमद की रिपोर्ट।